कामिनीस गार्डन इन धनियारा हिमाचल प्रदेश इज एन आई ओपनर फॉर मी. माय फ्रेंड कामिनी अंडरवेंट प्लास्टिक सर्जरी ऑन हर फेस टू रिस्टोर आईसाइट आफ्टर ए टेरिबल एक्सीडेंट. द मेडिसिंस शी हैड टू टेक अफेक्टेड हर लिवर and she spent almost another year in hospitals to get back to life. A keen gardener, Kamini had a lovely garden in her house in Palampur, also in Himachal Pradesh. After the accident, she and her husband decided to relocate to the ancestral village Daliara in Himachal Pradesh. Hornbill. अच्छा, मुझे नाम नहीं आते ना इतने. ये तोते की तरह लग रहा है. ये वो तो नहीं है, पता नहीं. अब मुंह घुमाया उसने, साइड को गर्दन घुमाई है ना. ये हॉर्नबिल नहीं है, ये कुछ और ही है. हाँ, मालखोआ. मालखोआ लग रहा है. इसकी लंबी पूंछ भी है. पूंछ भी लंबी है इसकी, गर्दन भी लंबी, चोंच भी लंबी है. ये बैठा, ये उड़ा हुआ, इधर को आया. ढूंढ रहा शिकार, ढूंढ रहा अपना. उड़ा नहीं है, उसके पीछे बैठे हुए अभी. इधर तो आम आ गया, इधर से नजर आएगा, यहीं से आएगा नजर. आप वहाँ चले जाओ खेत के. When I visited my friend in November 2023, I found her in the backyard garden, tending to her plants lovingly. This is where she started her new life, and the garden she created has given her a new purpose in life. Since Kamini uses only organic manure, her garden is an oasis for birds and butterflies and all kinds of insects. Thank you.
सीट से गए 3 महीने लगे मुझे इस सीट को मुझे संभालने के लिए। मैं जहाँ जाती थी सास ही लेके चलती थी इसको पानी में, वो आए पहले मेरे भी साथ में चलती, ये वो है पान ये मैंने भी लगाया, ये जमीन में लगाना चाहती हूँ मैं इसको। हाँ ये फिर हाँ ये प्याज है सारा, ये भी प्याज है, ये भी प्याज है, ये प्याज है और ये बीटरूट है, चुकंदर, ये वाली मूली, सुंगरे बोलते हैं इनको, सुंगरे। ये खा के देखो आप, ऐसे खाऊं? हाँ ऐसे खाओ, ये धुले हुए हैं, मैंने पानी दिया हुआ वैसे तो, कल आज भी दिया, सुबह भी तेल पड़ी है इसके ऊपर, बना तोड़ने वाले हैं, तोड़ूंगी इनको। ये इनकी सब्जी बनती है, जैसे एक तो मेरे बीनर की बनाई हुई है, हम अमरूद बहुत लगे इस बार, खाने वाला कोई नहीं था, पक्षी खाते थे हमारे अमरूद है, वो भी लहसुन है, वो लहसुन है, वो मटर है, वो साग है, ये आलू है, वो ये मिर्चें मैं जोधपुर से लाई थी, बीज मोटी वाली मिर्च, ये आपको रखती हूँ खाने के लिए। अच्छा होती है, बड़ी मीठी नहीं होती। ओके, वो भर के जो बनाते हैं? हाँ भर के नहीं, भरने वाली दूसरी होती है। अच्छा, ये तो वैसे पकौड़े बनाते हैं जोधपुर वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बहुत मिर्च तेज होता है। हाँ थोड़ी तेज, हाँ इसका छिलके समेत भी आप खा सकते हो, इतना अच्छा है ये अच्छा है नींबू, बड़ा मतलब बड़ा बुआ बहुत बढ़िया है। इनके तो बहुत लगे, इस बार ही लगे ये काफ़ी सालों के बाद, लेकिन काफ़ी नींबू है, देखो कितने लगे हुए अभी भी। ये यही वैरायटी है वो? नहीं नहीं ये नहीं है, इनकी तो दूसरी वैरायटी है, ये वैरायटी और है, ये बहुत बड़ा नहीं होता। अच्छा, शायद यहाँ नीचे पत्थर है तब नहीं बड़ा हो रहा है ये बैंगन है, ये नाशपत्ती का पेड़ है मेरा, पानी बड़ा गया इस तरफ खाती हूँ। वो ही मैं सुना रही हूँ कि मैं अपने प्याज के पास बैठ के ना गायत्री मंत्र सुनती थी, वहाँ बैठ के गायत्री मंत्र सुनने से क्या हो कि वहाँ की वाइब्रेशन उसको उनको इतनी, उनके प्याज इतने इतने बड़े हुए उस वजह से, मेरा फ्रूट भी अच्छा आता है उसमें। अब देखो ये मैंने लगाई हैं मूलियाँ, इनको मैं कितना ये कर दिया मेरा, तो इनको भी मैं सवेरे सवेरे अपना हनुमान चालीसा या अपना पाठ या अपनी गायत्री मंत्र या कोई और अपना जो पाठ करती हूँ वो सुनाती हूँ, साथ में खुद भी सुनती रहती हूँ, बांसुरी वादन बड़ा सुनती हूँ मैं, वो भी बड़ा अच्छा था, मतलब सूदिंग म्यूजिक सुनाती हूँ, जो भी सुनाती हूँ वो तेज़ बड़ा म्यूजिक नहीं, जो बड़ा कान फोड़ो होता वो नहीं सुनाती हूँ, सॉफ्ट म्यूजिक सुनाती हूँ, खुद भी सुबह ही सुनना पसंद करती हूँ मैं, इसलिए उससे बड़ा फर्क पड़ा, म्यूजिक से बड़ा फर्क पड़ता है। फूल भी अच्छे आते हैं, पौधे भी अच्छे आते हैं मेरे, अच्छे खिलते हैं वो, और मुझे खुशी भी बड़ी मिलती है।
और औरों को भी खुशी मिलती है जहाँ जो आपके घर आते हैं और आपके गार्डन देखते हैं। हाँ, इतना कि मेंटेन करना थोड़ा मुझे थोड़ा अकेले को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम करने वाले यहाँ लोग कम मिलते हैं। काम अच्छा करेंगे भी तो वो मेरे हिसाब से नहीं करते ना, वो फिर मुझे पसंद नहीं आता। इस बार तो मैंने अब मैं कॉन्शियस हो गई। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे है आपकी आवाज ज्यादा करती हूँ और बीच बीच में आपके फेस दिखा देती हूँ ऐसे। तो अब क्या टॉपिक था हमारा, यही याद नहीं आ रहा मुझे। चल सर, गार्डनिंग से हाँ, आपको गार्डनिंग क्या खुशी मिलती है? हाँ, मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। नहीं, प्याज मेरे इतने इतने बड़े हुए, अपन दादा नहीं आए आएंगे, ये खाद डालने आए ना हमारे लोग, तो ये लगे बोलने मेरे प्याज देखे ना, मैंने निकाल के रख ली, बोलते मैडम मेरे को दे दो दो तीन प्याज। मैंने कहा देखो एक एक प्याज दूंगी ना, किलो किलो का आधा पौना पौना किलो का प्याज है तो ये सारे प्याज तुम ही ले जाओगे, मैं एक एक नहीं दूंगी, एक दूंगी सिर्फ सैंपल के लिए। Please like and share this video.